जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स फाइनली SSCGT का आंसर की का लिंक एक्टिव हो गया है। आप अपना जो है कैसे आंसर की जो है अपना डाउनलोड करेंगे और चेकआउट करेंगे, तो चलिए हम इस वीडियो में पूरी हम जानकारी आप सभी को देते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यदि आप इसका लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप लोग जाएंगे तो ग्रुप में आप सभी को ये लिंक जो है मिल जाएगा, ठीक है। उस पर आप लोग टैप करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आप सभी जो है आ जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आप सभी को कैसे आप सभी को चेकआउट करना होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है कि जैसे ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो वहां पे ये आप सभी को लिंक ऑलरेडी मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को क्या करना है फ्रेंड्स कि इसमें आप सभी को अपना रोल नंबर फिल करना होगा, ठीक है। रोल नंबर आप सभी को एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी जो है रहता है, आप सभी को तो पता ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है। काफ़ी लोगों का भी ये डाउट होगा कि पासवर्ड तो जो है मेरे पास है नहीं, या साइबर वाले जो फॉर्म भरा था तो हमको पासवर्ड बताया है नहीं, ठीक है। तो पासवर्ड आप सभी को आपके एडमिट कार्ड में ही होता है फ्रेंड्स। आप सभी को यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इसमें पासपोर्ट अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे वो भी आप सभी को हम बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि एडमिट कार्ड के जहाँ पे आप सभी को रोल नंबर होगा उसके जस्ट नीचे आप सभी को वहाँ पे पासवर्ड करके ऐसे करके लिखा होगा, जो कि SSC की तरफ से आप सभी को डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड जो है रखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जाएंगे, रोल नंबर के जस्ट नीचे आप सभी को पासवर्ड दिया होगा जो कि आप सभी को डेट ऑफ बर्थ ही होता है। अब हम आप सभी को बता दें कि डेट ऑफ बर्थ आप सभी को स्पेस दे करके नहीं इसमें फिल करना होगा। आप सभी को जो है स्पेस नहीं देना है, जैसे उसमें दिया है सटा सटा करके अंक को, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं है, आप सभी को वैसे ही इसमें फिल करना होगा, ठीक है, जो कि आप सभी को एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। अब हम चलिए यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि कैसे आप अपना यहाँ पे जो है आंसर की डाउनलोड करेंगे और चेकआउट करेंगे। तो इसमें आप सभी को फ्रेंड्स क्या करना होगा कि इसमें आप सभी को रोल नंबर जो है फिल करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर रोल नंबर फिल करते हैं। ऑलरेडी मेरे पास जो है हम कॉपी करके रखें तो यहाँ पर पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो है फिल करना होगा जो आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड अपना जो है फिल करते हैं, उसके बाद आप सभी को हम पूरे डिटेल्स में बताते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम जो है यहाँ पे अपना रोल नंबर एंड यहाँ पे जो है अपना पासवर्ड को फिल कर लिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे ओपन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ए यूजर वाज ऑलरेडी लॉगड इन दिस फॉर्म, ऑल प्रीवियस सेशन आर लॉगड आउट, नाउ प्लीज लॉग इन अगेन। फिर से एक बार आप ट्राई करेंगे तभी होगा, ठीक है। ऐसे होता है फ्रेंड्स, सर्वर इशू होता है इसी को वजह। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोग यहां पे देखेंगे कि मेरा ऑलरेडी यहां पे खुल चुका है, ठीक है। जैसे ही हम यहां पे चलिए बैक करके हम दिखा रहे हैं, वीडियो में कट करके आ गया है, ठीक है। हम यहां बैक करके रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहां पे हम फिल करते हैं अपना रोल नंबर, उसके बाद यहां पे हम डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करते हैं। तो आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे फिल कर दिए हैं आप सभी को दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो रहा है, ठीक है। आप सभी को लाइव प्रूफ हम दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना होगा एंड आप सभी को क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है क्लोज कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लोज करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा पर्सनल डिटेल्स, जिसमें कि यहाँ पर नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स CAPF SSR असम रैफर, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप सभी को यहां पे पर्सनल डिटेल्स जो है यहां पे खुल करके थे आ गया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे जारी होगा आप सभी को आंसर की, तो यहाँ पे आप सभी को एक और न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आप सभी एग्ज़ाम दिए होंगे तो जो आप सभी को पेज आया होगा, जो जो क्वेश्चन होंगे वो आप सभी को यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन देगा, या एग्ज़ाम आंसर की का ऑप्शन देगा, ठीक है, दोनों में से कोई देगा। तो इस पर आप लोग जैसे ही टैप करेंगे तो फाइनली आप लोग यहाँ पे जो है अपना चेकआउट कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त आप सभी को बता दें कि आंसर की जो है कब जारी होगा, तो 1 से 2 दिन और वेट कीजिए, फाइनली आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक आप सभी को लिंक एक्टिव हो गया है और ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लेने वाला है, ठीक है। चुनाव है, बहुत ही जल्दी प्रोसेस यहाँ पर करवाएगा। आंसर की आने के बाद फाइनली यहाँ पर रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। उसके बाद आप सभी को फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, मेडिकल होंगे, फाइनली यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही आंसर की यहाँ पे जारी होता है फाइनली आप सभी को यहाँ पे जो है ऑलरेडी हम यहाँ पे एक वीडियो बना करके डाल देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।